पतना मेरे नाम जाया भी रे कुणी भाति भरेगा चाहिए लेकिन बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अरे उस समय का कुछ भी पता नहीं चलता कि कब किसी के साथ में क्या हो जाए। सासू माँ आज मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आज आप भी मुझे तरह तरह के ताने सुना रही हैं। पहली बात में कैसे कहने लगी, क्या लिखा? नीचे ही हुआ है। प्रेमी से जरा कहने लगी, आज मेरे पास मेरे बाप
आपके पास माया नहीं है, लेकिन आज आपके पास माया है, इसलिए आप घमंड कर रही हो। सासु माँ, इतना घमंड अच्छा नहीं है, क्योंकि टूक चाहे बड़ा खा लीजिए, लेकिन बड़ी बात नहीं करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि समाज में अगर रहना है तो अच्छी बातें ही करनी चाहिए। आएगा नंबर दो के माध्यम से हरनंदी अपनी सासु माँ से कहने लगी, ये कहने लगी, पर बड़ी कदे बात न करारी करे से, ओ बड़ी बात न करारी करे से, धड़ती र फिरीती धड़ती र फिरीती छाया सासू कदे घमंड न करारी करे से, ओ कदे घमंड न करारी करे से, ओ जिनके बादशाह मरारी करे से, उनके रुलते पीरे रे वजीर बादे मेरे मेरे कोड़े भरेगा, मेरे बाबूल हुए रे फकीर, को समझाने लगी और कहने लगी कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। सासु माँ, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है, नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसे कहने लगी तीसरी बात में, बाकी
कहने लगी, सासू माँ कभी तो हम भी अमीर हुआ करते थे, मेरे पिताजी के पास में भी बहुत सारी माया थी जो ठोकरों के अंदर बिखरा करती थी, लेकिन आज हमारा मेरे बापू का वक्त बिगड़ गया सासू माँ, इसी वजह से आप इतने ताने मार रही हो सासू माँ, इतने ताने मत दीजिए। और क्या कहने लगी अंतिम बात के द्वारा सुनिएगा, कद ठोकरी में, कद ठोकरी में माया बिखरे थी बा बुल कावत ती बिगड़ी गया हो बा बुल कावत ती बिगड़ी गया, कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चल दर सुने ना पड़ी जा हो, कर गया रे खाली पीट लगी बातें मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए दीपकी बातें मेरे कौन भरेगा, yeah।